Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Good Morning Aaj. मैं हूँ आपके साथ अनम काजमी और मैं हूँ सबाश. आज जुमेरात है 14 सितंबर और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें और कुछ ऐसे अहम टॉपिक्स जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे और जिनमें से कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जो कि सोशल हैं, कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिनके ऊपर आज बात करना जरूरी है. कुछ अहम दौरों के हवाले से भी बात होगी लेकिन सबसे अहम खबर आज की है जनाब कल होने वाले मैच के हवाले से. जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त वर्ल्ड 11 आई हुई है और छाई हुई है. पहला मैच हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की लेकिन कल हमने देखा कि वर्ल्ड 11 ने जैसे ही मैच शुरू किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने तकरीबन जो 175 रन का गोल दिया था वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने बिल्कुल आखिरी ओवर के अंदर पूरे मैच को जो है वो कंप्लीट करके रख दिया था. और जिस तरह से उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस दी है मैच बहुत ही जबरदस्त रहा. और खास तौर पर अगर मैं बात करूं परेरा की तो परेरा ने जिस तरह से आखिरी ओवर के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद उनको मैन ऑफ द मैच भी करार दे दिया गया. तो अब सिचुएशन कुछ यूं है कि पहला मैच पाकिस्तान जीत गया और दूसरा मैच वर्ल्ड 11 जीत गया तो अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी सनसनी भी रहती है क्योंकि तीसरा मैच अभी होना बाकी है और सब लोग एक्साइटेड भी हैं कि जी लास्ट मैच जो है वो आखिर कौन जीता है, सीरीज कौन अपना नाम करता है. तो जनाब वर्ल्ड 11 के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो ये आजादी कप चल रहा है इसके हवाले से आज के शो में हम बात करें. बिल्कुल आजादी कप चल रहा है इसके हवाले से हम बात करेंगे और क्या बात की जाए. मुल्क में जहां वर्ल्ड 11 के मैचेस का फीवर हाई है वहीं शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए भी पुर उम्मीद है. अब 1-1 से सीरीज तो बराबर हो गई है, दो मैचेस हो गए हैं, अब देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो मैच जीती है. ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो टीम जो है वो खेली तो बहुत अच्छा थी, रन भी हमारे बहुत अच्छे थे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो मैनेज नहीं कर सके. और मुझे ये भी लगता है कि वर्ल्ड 11 जो है वो कजाफी स्टेडियम की पिचेस से अब फैमिलियर होती जा रही है तो बड़ा संभल के खेलने की जरूरत है अगले वाले मैच में. और दूसरी अगर बात की जाए हमारी टीम अचानक से शेक क्यों कर जाती है और क्या बैटिंग ऑर्डर को अब अपडेट करने की जरूरत है, इस भी सूरत हाल पर भी हम गाहे बगाहे बातचीत करते रहेंगे. लेकिन मजीद कुछ बात करेंगे हमारी फॉरन पॉलिसी के हवाले से. अहम फैसले से पहले मुशावरत और तैयारियां जारी है. बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के दौरे के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार सेहत के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं. और इसके अलावा परेशान वालदैन के हवाले से भी हम बात करेंगे कि आखिर स्कूलों की बढ़ती हुई फीसों पर इनके क्या तहफ्फुजात हैं. इन अहम मौजूदात को हम अपने न्यूज शो में शामिल करेंगे और तमाम टॉप हेडलाइंस और तमाम खबरें आपके साथ में शेयर करेंगे. तो इस वक्त हम नजर डालते हैं हमारी टॉप हेडलाइंस पर. पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत हासिल करने के लिए सिफारती कोशिशें. वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ चीन, ईरान और तुर्की का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुंच गए. खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से फैलते डेंगू वायरस ने अपने कदम जमा लिए. वायरस से दर्जन से जायद अफराद जान से हाथ धो बैठे, 300 से जायद मुतासर. पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है. कराची के निजी स्कूलों ने अदालती अहकाम हवा में उड़ा दिए. स्कूल फीसों में 15 से 25% इजाफा, क्या कोई प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों को रोकने वाला है. और कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के 1227वें उर्स का आज आखिरी रोज. मुल्क भर से अकीदतमंद और जायरीन की शिरकत, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम. तो ये सब स्टोरी जो है वो आज के शो का हिस्सा होंगी लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही है. जी जनाब अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं. तो कुछ अखबारात के हवाले से जंग है इस वक्त मेरे पास और उसमें जो है पनामा नजरसानी के हवाले से खबर है कि नाहली का फैसला मुतफक्का था, बहुत एहतियात की, आप छेड़ रहे हैं तो फिर गिला ना करें सुप्रीम कोर्ट. और ब्लैक लॉ डिक्शनरी में तनख्वाह की कई तारीफें लेकिन अदालत ने एक ही पर इत्तेफाक किया. तो इस हवाले से जो खबरें हैं वो जंग ने इस खबर को अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया. अच्छा अगर एक्सप्रेस रोजनामा की मेन लीड की बात करूं तो आज की अहम और बड़ी खबर जो है वो वजीर आजम
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से हर बार ये होता है और मेरा ख्याल है कि अभी तक लोगों के मुंह पर, मेरे समय बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पर नहीं चढ़ा, क्योंकि अक्सर हम मीटिंग में भी बात कर रहे होते हैं तो मुंह से जो है वो वजीर आजम नवाज शरीफ निकल जाता है, तो दिलों के वजीर आजम बहुत से लोगों का ऐसा कहना है। एनीवे, उनकी नाअहली केस के हवाले से जो है वो कल हमने देखा समाप्त हुई है। पहले तो ये तहफात थे कि जनाब तीन रुकनी बेंच क्यों कर रहा है, उसके बाद जब पांच रुकनी बेंच ने जो है वो ये सब करना शुरू किया, समाप्त करना शुरू की, तो उसके बाद आज फिर एक बार समाप्त होने जा रही है इस केस की। और इसी हवाले से यहाँ पर आज मेन लीड लगाई गई है और कहा जा रहा है कि जब तीन जो इससे पहले जो दो फाजिल जजों ने जो फैसला दिया था, उन्होंने फैसला दिया था उनकी तकरीरों के बिना पर, लेकिन जो तीन जजेस जब इसमें शामिल हुए मजीद, तो उन लोगों ने ना सिर्फ इखलाकी बुनियाद पर बल्कि कानूनी तमाम नुकात को भी मद्देनजर रखते हुए नाअहली का फैसला किया, और इस फैसले में वो बड़े मोहतात रहे हैं, मोहतात तरीके से फैसला किया गया है। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इस पर बयान है आया है वो यही जो है वो आज एक्सप्रेस ने अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। ठीक है जी। अच्छा, जो कुछ हम खबरों में शामिल करूं उनमें है कि नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तजवीज करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, हतमी फैसला नहीं हुआ है, तो एक अच्छी खबर है कि जी नया एयरपोर्ट इस्लामाबाद में तामीर करने के लिए एक कमेटी कायम की गई है, अल्लाह करे ये कमेटी काम भी कर ले। और जो दूसरी खबर है वो है वजीर आजम 21 सितम्बर को अकवाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि 21 सितम्बर को जनरल असम्बली का जो है इजलास होने जा रहा है और इंतहाई अहम, इसके अंदर जो है वो शेयर की जाएंगी, तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। वहीं पर आंग सान सू ची जी जो हैं उन्होंने बड़ी माजरत कर ली है कि जी वो जाके इस दुनिया को फेस नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जो बात वो मुसलमानों पर ढा रही हैं, बर्मा के मुसलमानों पर, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई भी किसी की भी किस्म की क्लेरिफिकेशन होगी कि वो वहाँ जाके क्या बताएंगी कि वो किस लिए मुसलमानों पर यह जुल्म कर रही हैं। तो ये एक खबर है। और अगर दूसरी खबर में शामिल करूँ, नहीं मगर अब उससे पहले अरम की आंग सान सू ची के हवाले से आप बात करिए, तो डेफिनेटली एक तो ये हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त दुनिया को फेस करने के लिए भी इस वक्त तैयार नहीं है, तो दूसरी जानिब ये भी एक सिचुएशन है कि लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं कि जो नोबल इनाम उन्हें अमन के लिए दिया गया था उस नोबल इनाम को भी वापस ले लिया जाए। खैर, खबरों की जानिब बढ़ेंगे और खबर एक आहा और हम जो आपके साथ इस वक्त शेयर करेंगे कि इस वक्त अपोजिशन लीडर जो है खुर्शीद शाह, उनकी जगह पर शाह महमूद कुरैशी के नाम को जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने MQM के रहनुमा जो है, MQM के जो चेयरमैन है फारूक सत्तार, उनके साथ इस वक्त अपनी मीटिंग्स को बढ़ा दिया है, उनसे रابطہ शुरू कर दिया, टेलीफोनिक रابطے में इस बात का फैसला किया गया है। लेकिन अभी भी मजीद मुशावरत होगी, एंड लेट्स सी कि अपोजिशन लीडर के लिए शाह महमूद कुरैशी को कितने ज्यादा वोट्स मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से आपने बात की है, तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म रहनुमा है शाह महमूद कुरैशी, और बड़ा उन्होंने काबिल जिक्र उनकी खदमात है PTI के अंदर, बहुत सर्व किया उन्होंने PTI को, और बड़े अच्छे तरीके से अपने मौकफ को वो सामने रखते हैं। खासतौर पर अगर बात हो खारजा पॉलिसी के हवाले से, तो बहुत ज्यादा बेहतर तौर पर वो खारजा पॉलिसी भी समझते हैं, और इंटरनल पार्टी के जो मामलात हैं उसमें भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा सरगर्म हैं। हम देखते हैं कि PTI के तमाम, बिल्कुल, हम PTI के तमाम जलसों में जिस तरीके से वो खिताब करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, तो उनके अंदर ये पार है कि वो अपने मौकफ को बड़े स्ट्रांगली दूसरे तक पहुंचा सके। अच्छा, अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा का हाल ये है कि वहां पर डेंगू ने एक दफा फिर से सर उठाया हुआ है। सेहत के क्या इंतजाम किए गए हैं डॉक्टर्स की जानिब से, तो ये भी कहा गया था, बल्कि अगस्त में तो एक मीटिंग भी हुई थी, शहराम तरकी ने प्रॉपर तौर पर एक मीटिंग बिठाई थी जिसमें तमाम आलमी दुनिया से भी, सेहत के इदारों से भी लोगों को इनवाइट किया था, और यही सोचा जा रहा था कि जी किस तरीके से बचा जा सके और किस तरीके से जो है वो इकदाम किए जाए डेंगू के हवाले से। और एक दफा फिर से हम देखते हैं कि इस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, 18 से ज्यादा लोग जो है वो डेंगू का शिकार हो चुके हैं अब तक, और उससे पहले भी कई दफा इस तरह का केस सामने आया। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से जो नून लीग है वो ये तनकीद करती है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू निकला हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो आजकल लंदन में शादियां अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की खबरें हैं, और इसी खबर पे हम तज्जिया भी लेंगे, तबसरा भी करेंगे कि किस तरीके से इसकी रोकथाम मुमकिन है। बिल्कुल जनाब, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो तकरीबन दर्जनों अफराद इस तरह के हैं जो कि इस वक्त इस डेंगू का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त इंतजामिया और हुकूमत जो है वो क्यों खामोश बैठी है, इसी पर आज के शो में जो है हम आगे चल के बात भी करेंगे। कुछ मजीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं, और आपको बताएं कि जनरल असम्बली का सालाना जो इजलास है वो शुरू होने जा रहा है, जिससे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी 21 सितंबर को खिताब करेंगे। एक तो छोटी खबर ये है, और दूसरी चीज जनाब आबी तनाजात के ऊपर पाक भारत मुजाकरात आज वाशिंगटन में शुरू होने जा रहे हैं। जो तमाम तरह पाकिस्तान की रिजर्वेशन है वो मेरा ख्याल है कि आज वर्ल्ड बैंक के जरिए तमाम ये जो मीटिंग कराई जा रही है, और दोनों डेलीगेशन जो है वो वाशिंगटन में मिल रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर भी जो है वो आज ये खबर लगाई गई है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये आबी तनाजात के लिए जो है वो आज मीटिंग होगी। और उम्मीद करते हैं कि जनाब ये जो आबी तनाजात है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को डेफिनेट
डेफिनेटली सब से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। सही। अच्छा, और एक और खबर है यहाँ पर जंग में कि पंजाब असेंबली नवाज शरीफ के लिए खराज तहसीन की करारदाद मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तो डेफिनेटली अपोजिशन तो एहतजाज करेगी, और इस वक्त मेरे पास जो है वो बिजनेस रिकॉर्डर है, और बिजनेस रिकॉर्डर में जो खबर है वही बिल्कुल वाटर के हवाले से है कि डिस्प्यूटेड वाटर प्रोजेक्ट इन IHK WB स्पॉन्सर्ड टॉक्स बिगिंस टूडे। और एक और यहाँ पर जो बिजनेस रिकॉर्डर में खबर है वो है कि इट वॉज यूनैनिमस वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट टेल्स नवाज काउंसिल। तो डेफिनेटली जो भी समातों के सिलसिले हैं उस हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर में यहाँ खबर लगाई गई है। और अगर एक और खबर मैं शेयर करूँ तो वो है कि SPP ग्रांट्स एक्सटेंशन इन सब्सिडाई। तो ये तो आज की खबरें हैं, और इन खबरों में जो है ओवरऑल जो एक मेन खबर है वो डेफिनेटली अब खबर जो है ख्वाजा आसिफ के हवाले से है कि वो अपना दौरा पूरा मुकम्मल कर वापस आ गए हैं। अब खारजा पॉलिसी में मज़ीद क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, खारजा पॉलिसी के लिए मज़ीद क्या इकदाम करने चाहिए, क्योंकि अब फिर वो अमेरिका का भी दौरा कर रहे हैं और 2 हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहे हैं। तो फिर लेट्स ही देखते हैं कि अब उनकी क्या मज़ीद हिकमत हम लोग, और इसी हवाले से हम अपने शो में भी बात करेंगे। तो अब चलते हैं, हम मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं, और मुख्तलिफ शहरों का हाल जो है वो सबसे पहले जाएंगी अनम और पूछेंगी हमारे नुमाइंदे से कि इस्लामाबाद में, मेरा ख्याल है सबसे पहले इस्लामाबाद ही चलते हैं हम, और जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान हमें अपडेट करेंगे। अली फुरकान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आज सबसे अहम तो सुप्रीम कोर्ट में जो शरीफ फैमिली की रिव्यू पिटिशन है उसकी समाप्त है, और वो अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज पहले दिन की समाप्त थी, आज जो है शरीफ फैमिली की तरफ से अपने दलाइल जो हैं वो मज़ीद अपने केस में पेश किए जाएंगे उनके वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से। इसके साथ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज बुला रखी है फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से, और पार्लियामेंट में मौजूद तमाम बड़ी जमातें उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी, और फाटा के रिफॉर्म्स के हवाले से तबादला ख्याल और हिकमत अमली तय की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास है आज सुबह में, और शाम में सैनेट का इजलास है, और इस दौरान मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास भी है, सैनेट की कमेटी ऑन कॉमर्स, इसके अलावा फाइनेंस, इनके इजलास भी आज होंगे। और इसके साथ साथ दफ्तर खारजा की आज हफ्तावार ब्रीफिंग भी है, और जो वजीर खारजा का दौरा हुआ है हालिया ईरान और तुर्की, उस हवाले से भी जो है दफ्तर खारजा ब्रीफ करेगा, किस किस्म की उन मुल्कों से हमायत हासिल हो सकी है, पाकिस्तान के मौकफ को कितनी पजीराई हुई है, ये यकीन दफ्तर खारजा आज अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में। ठीक है, हमारे नुमाइंदे में अपडेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लाहौर का रुख करते हैं, और लाहौर में मौजूद है आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान। तारिक खान, ये बताइए कि लाहौर में जहाँ पर क्रिकेट का फीवर हाई है, मैचेस हो रहे हैं, वहीं हमने ये सुना कि मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग भी होती रही, तो कराची के भी कुछ इलाके लोड शेडिंग का शिकार हुए, पूरे लाहौर में तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं थी। लाहौर में क्रिकेट जो है वो अपने जिसका जादू कह रहे हैं सर चढ़कर बोल रहा था और मुसलसल बोलता रहेगा, क्योंकि कल भी एक मैच जो है वो आखिरी T20 होने जा रहा है, तो बड़ी तादाद में जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कल का इंतज़ार कर रहे हैं। आज भी टीम क्योंकि लाहौर में है तो पूरे तरीके से जो शहर है वो क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है। इसके साथ साथ 120 जो कलेक्शन है वो बड़े अहमियत का हामिल है। आज इमरान खान साहब अब लाहौर तशरीफ लाए हैं और उन्होंने 4 बजे एक रैली निकालनी है जहाँ पे हम मौजूद हैं, बिल्कुल यहाँ पे चौक पे चेयरिंग क्रॉस से ये स्टार्ट होगी रैली और दाता दरबार तक जाएगी। इमरान खान इसकी क्यादत करेंगे, जिसको अगर कहें कि 120 का हलका है ये सारा, तो वो इस हवाले से जो है वो रैली निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ आज चारों बड़ी जमातें जो है, मुस्लिम लीग, नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की सराजुल हक जो है भाटी गेट जो 120 का इलाका ही कहलाता है, 8 बजे वहाँ पे उनका जलसा है। इसके साथ कमरुज़मान कायरा जो पंजाब के सदर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसके साथ मुस्लिम लीग नून की ये बताएगा कि इस वक्त वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो है वो भी लंदन से लाहौर पहुँच चुके हैं। शहबाज शरीफ कौमी एयरलाइन के फ्लाइट PK 758 से पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तफसीलात भी इस हवाले से बताइए कि वो वापस पहुँच चुके हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि शहबाज शरीफ साहब भी कुछ अपने इलाज के सिलसिले में लंदन गए हुए थे, उनके बड़े भाई शहबाज नवाज शरीफ भी वहीं हैं, उनकी भाभी भी वहीं हैं, तो बताया तो ये गया था कि वो तीमारदारी के लिए गए हैं, लेकिन कुछ उनका अपना भी मेरे ख्याल शायद चेकअप होना था, जिसके बाद आज वो सुबह ही लाहौर पहुँचे हैं, और यहाँ से सीधा ही वो अपने घर
पर जो हैं वो गए हैं और इसके बाद वो दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ जो है दोबारा बतौर वजीर आला शुरू करेंगे आज, क्योंकि पंजाब असम्बली का सेशन है कि इस बारे में कहा तो नहीं गया कि वो पहुँचेंगे, लेकिन क्योंकि सेशन है हो सकता है वो पंजाब असम्बली भी आएँ, लेकिन आज सुबह ही वो लंदन से पाकिस्तान लाहौर वापस आए हैं और वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और इनकी एक्टिविटीज़ जो बाद में शुरू हुई। जी ठीक है, तारिक खान लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चलें जी, वजीर आला शुभ अब लाहौर वापस आ गए हैं, अपने तमाम उमूर अब जो हैं वो दोबारा से सर अंजाम देंगे और डेफिनेटली मैचेस भी देखने जाएंगे और साथ साथ पंजाब असेंबली का जो सेशन है, लेट्स सी आज उसमें क्या बातें और क्या मौजू ज़ेर बहस आते हैं, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त आपको बताएं कि शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। ये अब मेरा केस जो है सबके खिलाफ है और मैं सरजील साहब का और लतीफ खोसा साहब का मशकूर हूँ और खुद भी मैं कोई इतना बुरा लायर नहीं हूँ, जो कि अदलिया ने, चौधरी इफ्तखार ने भी मुझे मशवरा दिया था कि मैं सियासत छोड़ दूँ और प्रैक्टिस शुरू करूँ। सिर्फ ये है कि मैं तलाल चौधरी की तरह भंगड़ा नहीं डाल सकता, मैं नाचा ग्रुप नहीं हूँ। मैं जब लंदन में था तो वो NRO की कोशिश कर रहे थे, तकनीक का मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तकनीक नहीं है। जजेस ने कहा है कि हमने ये रियायत बरती है ताकि अपने आपके अगला केस जब ट्रायल हो उस पर असर ना हो। कल जो प्रोसीडिंग में कहा वो अफजल जस्टिस एस एजाज एहसन साहब ने बहुत ज़बरदस्त जुमला बोला, उन्होंने कहा अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो हम इसको असल सही हकायक सख्त फैसला भी दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आपके मुस्तकबिल के फैसलों पे मुदाखलत ना हो। सो मेरे ख्याल में तो सेकंड राउंड और फाइनल राउंड मदर ऑफ द क्राइम इज हुदैबिया पेपर और इंशाल्लाह या नैब दाखिल करेगी या सुप्रीम कोर्ट दो दिनों में वर्डिक्ट देगी। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि कुछ दिनों में तब्दीली मुतवक्के है, देखते हैं कि क्या वर्डिक पेश करती है नैब या सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल जनाब, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम मेरा ख्याल बढ़ेंगे इदारियों की जानिब और जानते हैं कि इदारियों में आज क्या कुछ लिखा गया है इस सब पर। आज एक बड़ा ही जबरदस्त इदारियों में पढ़ रही थी और वो 100 लफ्जों की कहानी जो कि हर मरतबा जो है वो सामने आती है और 100 लफ्जों की कहानी बिल्कुल आपको पढ़ के भी हम बताते हैं। आज की काफी अहम और मजेदार सी ये 100 लफ्जों की कहानी है जिसका टाइटल जो है वो है जरूरतें। क्या बात, 10 रुपए का सवाल है बाबा, फकीर ने कशकोल आगे बढ़ाया, माफ करो चपरासी बड़बड़ाया, साहब बच्चे की फीस देनी है, 1000-2000 रुपए से मदद कर सकते हैं, चपरासी ने दरख्वास्त की, तनख्वाह आएगी तो याद दिलाना, अभी महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं, साहब ने समझाने की कोशिश की। फिर आगे जनाब, बॉस बेटी की शादी है, कंपनी से 2 लाख का लोन चाहिए, आप सिफारिश कर दें। साहब जो है वो उन्हें इनकार किया और आगे बोले कि आजकल कंपनी क्राइसिस में चल रही है, चंद माह बाद देखते हैं हम। तो बॉस ने फिर टाल दिया और फिर बैंक एग्जीक्यूटिव को फोन किया और मैं कहा कि मेरे 50 लाख के लोन का क्या हुआ। यानी एक सिलसिला, एक तसलसल चला जा रहा है, कभी एक फकीर मांगता है, फिर चपरासी मांगता है, फिर बॉस मांगता है, फिर मैनेजर मांगता है और एट दी एंड हम देखते हैं कि हर कोई शख्स जिस भी लेवल पर बैठा है वो उस लेवल पर रहते हुए भी अपनी जरूरियात के हवाले से सिर्फ इल्तिजा करता हुआ ही सुनाई दे रहा होता है। तो ये आज 100 लफ्जों की कहानी जो लगाई गई है मुबशिर अली जैदी की, इस पर हम जो है मुबशिर अली जैदी को भी लाइन पर लेंगे और उस पर जरूर बात भी करेंगे, लेकिन फिर वक्त मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के दौरे के हवाले से। जी हाँ, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ चीन, ईरान और टर्की का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँच चुके हैं। वजीर खारजा के इस दौरे का मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद उन ममालिक की हिमायत हासिल करना था। Can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से हालिया पॉलिसी बयान में पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया और एक बार फिर पाकिस्तान को दहशत गर्दों की महफूज पनागाह करार दिया। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर इस्लामाबाद भी हरकत में आ गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार मनवाने के लिए सिफारती कोशिशें शुरू कर दी। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने सिलसिले में सबसे पहले चीन का दौरा किया जहां उन्होंने चीनी हम मनसब से मुलाकात में चीन की हिमायत हासिल की।
چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کرے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف ایران بھی گئے، جہاں انہوں نے صدر حسن روحانی اور ہم منصب جواد ظریف سے ملاقاتیں کی۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایران میں اس موقف کا اعادہ کیا کہ امریکی فوج افغانستان میں امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکی، ایک عشرے سے افغانستان میں امن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمسایہ ممالک میں اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ سفارتی غیر ملکی دوروں کے آخری مرحلے میں خواجہ آصف ترکی کے دارالحکومت انکارہ پہنچے۔ دورے کے دوران وزیر خارجہ نے ترک صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ ترکی کی سیاسی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف کے دوست ممالک اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئی پالیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے مزید۔ ہمیں جوائن کیا ہے علی سرور نقوی صاحب نے، بہت شکریہ آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا۔ بالکل علی سرور صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ خواجہ آصف کا انتہائی اہم دورہ تھا یہ، اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور سفارتی کوشش کر رہا ہے، اور اس سب میں یہ دورہ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دورہ بہت ہی اہم ہے، جیسا آپ نے کہا، کیونکہ ایک جو ہماری کمی تھی کچھ عرصے سے وہ یہ کہ علاقائی طاقتوں سے ہماری ڈائریکٹ گفتگو سینئر لیول پہ اعلیٰ سطح پہ نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اس میں اگر ایسا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سی باتیں کلیئر نہیں ہو پاتی ہیں اور ہم آہنگی قائم نہیں ہو پاتی ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب جو نئے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پہلے چین کا دورہ کیا، اس کے بعد افغانستان، وہاں ایران گئے ہیں اور اب ترکی گئے ہیں۔ تو یہ جو اس خطے کی جو اہم ریاستیں ہیں ان سے اعلیٰ سطح پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، اور افغانستان کے متعلق خاص طور پہ جس میں پاکستان کوشاں ہے کہ وہاں امن و استحکام قائم ہو اور پاکستان کی کاوشوں کا پوری طرح اعتراف نہیں کیا، خاص طور پہ امریکہ نے، تو اس لیے پاکستان کو یہ ضروری تھا کہ وہ جو علاقائی طاقتیں ہیں ان سے رابطہ کرے اور ان سے ہم آہنگی قائم کرے اور کچھ لائے عمل بھی طے کرے کہ آگے افغانستان میں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا علی سرور صاحب، خواجہ آصف جب واپس آئے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بڑی پذیرائی ملی ہے ان کو انکارہ میں بھی، اور پھر دوسرا ان کو تہران میں بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، ان کے موقف کو سنا گیا ہے، ہماری دہشت گردی کے خلاف جتنی بھی کاوشیں اس کو سراہا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ جانا ہے، امریکہ کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا ایسی ہم تمام چیزیں لے کے جائیں کہ ان کو ایڈریس کر سکیں؟ امریکہ کو ہمیں اول تو ان بتانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ان کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیے، اور دوسرے ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ بالکل نظریہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو اس طرح بین الاقوامی سیاست نہیں کام کرتی ہے، اور بہت سی دنیاں ہوتی ہیں کسی بھی مسئلے میں۔ پاکستان مثلا افغانستان کے ساتھ جو کوشش کر رہا ہے اس میں افغانستان کا تعاون اس طرح ہمیں نہیں مل رہا جو ہم چاہ رہے ہیں، اور ہم نے خود جو دہشت گردی کے خلاف جتنا کچھ کام کیا ہے وہ افغانستان سے جب تک اس کے بارے میں ان کی بھی مدد نہیں ہوگی تو ہمارے دہشت گرد پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس طرح اس کی ایلیمینیشن، اس کا پورا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز امریکہ کو بتانا چاہیے کہ امریکہ بھی افغانستان پہ زور دے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر وہ کوشش کرے کہ دہشت گردی کا مسئلہ ختم ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ علی سرور صاحب، جیسی اس وقت پاکستان کی کنڈیشن ہے، پاکستان کی سچویشن ہے، سفارتی تعلقات کو آگے بڑھانا تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے والا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجلاس میں پاکستان کا یا پاکستان کی جانب سے اس خطاب کا عنوان کیا ہونا چاہیے، اس خطاب کے ذریعے کیا میسج دینا چاہیے پاکستان کو؟ میسج پاکستان کا تو براڈلی سپیکنگ موٹا موٹی وہی ہونا چاہیے جو ہم نے موقف اپنا ہمیشہ رکھا ہے،
और उसमें अफगानिस्तान ये इधर अफगान अकवाम मुत्तहदा में जो होता है जो मीटिंग्स होती हैं जो तकरीरें होती हैं वो एक हर मुल्क अपनी अपनी खारजा पॉलिसी के बड़े नुकात पे उनकी वजाहत करता है तो वहां पे हमें अपनी पॉलिसी का फिर से वजाहत करनी है और कश्मीर के मसले को हाईलाइट करना है फिर अफगानिस्तान में जो हम कोशिशें कर रहे हैं अमन लाने अच्छा अली सरवर साहब डेफिनेटली हमें हाईलाइट तो करने हैं अपने तहफ़ुज़ात को लेकिन ट्रंप ने जो बयान दिया था उसमें सबसे ज्यादा जो तहफ़ुज़ात थे पाकिस्तान को वो इंडिया का असर रसूख अफगानिस्तान में बढ़ाने के हवाले से थे तो किस तरीके से अब हमें कहना होगा कि जी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है अफगानिस्तान में इंडिया की नहीं होगी अगर वो कुछ और तामीरी काम कर सकते हैं तो वो अफगानिस्तान में करें तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ये मसला भी एड्रेस करने की जरूरत है देखिए ट्रंप की तकरीर में इंडिया को कुछ सियासी रोल अफगानिस्तान में नहीं दिया गया है जी बिल्कुल इक्तसादी रोल दिया गया है उनको कहा गया कि उनकी वो अफगान हुकूमत की मदद करें तो इक्तसादी तो वो अपने तरह से जो भी उस लेवल पे जो काम हो रहा होगा वो जाहिर है हमें कोई मसला नहीं है हम भी उनकी इक्तसादी अफगान हुकूमत की इक्तसादी मदद कर रहे हैं तो सियासी रोल नहीं उनको देना चाहिए क्योंकि इंडिया का कोई जवाब नहीं होता है कि वो अफगानिस्तान में सियासी रोल अख्तियार करे बिल्कुल ठीक अच्छा सर्विस साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था वो इंतहाई सख्त था पाकिस्तान को लेकर और उस बयान के बाद हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एक बड़ी हलचल सी मच गई हमारी जो खारजा वजीर खारजा है वो भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं लेकिन चार साल तक हमने देखा कि पिछले चार साल थे हुकूमत बगैर किसी ही प्रॉपर एक वजीर खारजा के चलती रही है क्या खारजा पॉलिसी की कमजोरी की ही वजह थी ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया है इस किस्म के जारहाना बयान जो है उनकी जानिब से आना शुरू हो गया ये बात ये है कि वजीर खारजा का होना बहुत जरूरी है जी। और हर मुल्क का वजीर खारजा जब तक नहीं होता है तो उस सतह पे काम नहीं हो पाता है इसलिए ये कमजोरी थी हमारी और वो अब दुरुस्त की गई है और दूसरी बात ये है कि हमें खारजा पॉलिसी में बहुत सी डायनामिक्स हैं उसमें वो कभी कभी हमारे फेवर में होती हैं कभी नहीं होती हैं तो खारजा पॉलिसी के मसाइल बहुत से हैं और अब कोशिश हो रही है कि उनको कुछ हद तक हल किया जाए अच्छा अली सरवर नकवी साहब डेफिनेटली ख्वाजा आसिफ जब गए थे यहाँ से तो उससे पहले वो एक बयान देके गए थे जिसको चौधरी निसार ने भी तनकीद का निशाना बनाया था कि हमें इन हाउस भी अपने आप को अपडेट करने की बेहतर करने की जरूरत है तो वाकई में हमें जरूरत है इन हाउस भी क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि हमने सफीरों की कॉन्फ्रेंस भी बुलाई हुई थी जी जी बिल्कुल जरूरत है चौधरी निसार साहब जो भी कहें मगर हमें इन हाउस बैटरी की बहुत सख्त जरूरत है और जब तक वो नहीं होगा तो बातें करने से खारजा पॉलिसी के दो पहलू हैं एक जो आपकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन या बयान हैं और दूसरे जो एक्शन है आपके यहाँ जब तक वो एक्शन नहीं होगा उसमें लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे जी ठीक है बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब आप हमारे साथ थे और इस खबर के ऊपर बाकायदे तौर पर आप बात करें डेफिनेट हाई अहम दौरा था हमने देखा कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनका दौरा किया गया है वजीर खारजा की जानिब से और डेफिनेटली इसको इस दौरे को जो है वो काफ़ी अहम तसव्वुर भी किया जा रहा है आगे हम देख रहे हैं कि जनरल असेंबली का इजलास भी होने जा रहा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के इस दौरों से और सफीरों की तमाम तर ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इनसे पाकिस्तान को डेफिनेटली पॉइंट्स मिलेंगे जिनको वो आगे चलकर अपने खिताब का हिस्सा बना सकता है की जा रही है मुशावरत की जा रही है अहम फैसले से पहले बड़े फैसले से पहले तैयारियां जा रही हैं मुशावरत जा रही है कि एटलीस्ट हमें अमेरिका को किस तरीके से डायलॉग करना है आगे बढ़ते हैं और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से आपको बताएं कि उनके अहले खाने की मुबैना करप्शन के एहतसाब का बाकायदा आगाज कर दिया गया है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ उनके साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ वायर रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए तीनों अफराद को 19 सितम्बर को तलब कर लिया है
मुल्क में तीन बार इक्तदार संभालने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बिजनेसमैन बच्चों हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस की सुनवाई एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस की पहली समाअत 19 सितम्बर को की जाएगी और इसी समाअत में नवाज शरीफ और उनके बच्चों को अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया है, जिसके लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ये नोटिस अदालत की जानिब से ऐसे वक्त में जारी किए गए हैं जब नवाज शरीफ अपने साहबजादों के हमरा लंदन में मुकीम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कई बार ये वाजे कर चुके हैं कि शरीफ फैमिली एहतसाब अदालत में पेश नहीं होगी। अब देखना यह है कि अदालत अदम पेशी की सूरत में साबिक वजीर आजम और उनके अहले खाना के साथ क्या रवैया अख्तियार करती है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रजा कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अहमद रजा कसूरी साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त अहम दौरे किए जा रहे हैं, खारजा पॉलिसी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है वजीर खारजा की, इन दौरों की अहमियत के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। वो तमाम सिचुएशन जहाँ पर पाकिस्तान पर काफी हद तक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी जंग के हवाले से, जो जंग पाकिस्तान में की गई है उसकी हिमायत के लिए जो है वो अपने तमाम तर बैनुल अक्वामी पर राबते हमवार करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या समझते हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं इन दौरों को, बिलखसूस वजीर खारजा ने जो दौरा किया है उसको? बात यह है कि ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान खाबे खरगोश से उठा है और एकदम से देखा कि वाकई भाई जो कछुआ बहुत आगे गुजर चुका हुआ है जी। और अब कछुआ तो लगातार भाग रहा था और ये खरगोश साफ हो पड़े थे, तो वो एक ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल देर आए दोस्त आए, चीज ये है कि हमने बहुत सारे जो इवेंट्स हैं उसको प्रॉपरली हमने उसको ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया, उसको वायरल नहीं किया जी। इंडिया में अगर किसी औरत की चूड़ी टूट जाए तो वो शोर मचा देते हैं कि इसमें आईएसआई का हैंड इन्वॉल्व है जी। लेकिन हमारे यहाँ कुलभूषण यादव को पीछे 1.5 साल से पकड़ा हुआ है और उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया कि जो उसकी एक्टिविटी थी बलूचिस्तान में और जैसे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंडिंग कर रहा था, उनको ट्रेन कर रहा था और उनको असला प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ तक कि उसने जो है अपना लियारी के साथ भी अपना कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किया जी। थी जैद रोज को भी हेल्प करा था जी। अब चीज ये है कि ये चीजें जो हैं इनको हमने हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है उसको शोर मचाना चाहिए था दुनिया में कि देखें हम एक प्रिंसिपल नेबर हैं हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान जो कि दो चीजों को बड़ा दुनिया में उसका ताकत देता है कि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री और दूसरा उनका जो जो है जो सेल करते हैं वो है सेक्युलरिज्म। तो हमें चाहिए था कि हम कहते हैं कि जनाब ये ना डेमोक्रेट है, यस दे आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नंबर वाइज बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ देर इज ए ब्राह्मण डेमोक्रेसी, जहाँ ब्राह्मण की और राइट है, क्षत्रिय की और है, शूद्र की और है और दलित की तो राइट ही नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है अपने रिलीजियस मिनोरिटी उनका हम पेंट करते कि देखें इनका रोल देखिए गवाह में, इन्होंने चर्चेस जलाए, इन्होंने उनके पादरियों को मारा, सिखों के अपना गोल्डन टेंपल को कदस पामाल किया और मुसलमानों के साथ तो हर ईद बकरीद और दिवाली और होली पर मुसलमानों के लहू के साथ इनके हाथ रंगे जाते हैं। ये चीजें बिल्डअप करनी चाहिए थी अपना इनकी इनकी जो मूवी जो कश्मीर के अंदर जो जुर्म हो रहा है और जैसे कि पैलेट जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने जंगों में अहम किरदार अदा किया है। हमारे डिप्लोमेट जो है देखे आप इनसे पूछें भाई व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, तुमने कितने एक महीने में कितने आपने जहां भी आप बेस कितने थिंक टैंक कितने अपना मीडिया। ठीक है अहमद रजा कसूरी साहब हमसे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर गुफ्तगु कर रहे थे, इंतहाई जामे और मौजू गुफ्तगु उन्होंने की और यही कहा जो हम सब कह रहे हैं कि जी एक तो खारजा पॉलिसी नहीं थी और फिर दूसरा ये कि हम प्रोजेक्शन सही से नहीं कर सके, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी कामयाबियां समेटी, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब किया, तो उसके बाद बनता था कि हम सही से प्रोजेक्शन करते। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से फैलने वाले डेंगू वायरस के हवाले से, जिसने सूबे भर में अपने कदम जमा लिए हैं और अब तक इस वायरस से दर्जन से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। जबकि दूसरी जानब कुछ रोज कबल पिशावर हाई कोर्ट में डेंगू के हवाले से केस की समाअत हुई थी, जिसमें अदालत ने महकमा सेहत को वायरस पर काबू पाने में नाकाम करार दिया था। डेंगू सिर्फ केपी के ही मुतासर नहीं हो रहा है इससे, बल्कि गुज़िश्ता साल पंजाब में भी लोगों में इस वायरस से खौफ की लहर फैल गई थी, लेकिन इस साल तो खैबर पंजाब में काफी हद तक डेंगू पर काबू पा लिया गया है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इस वायरस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। अब इसे महकमा सेहत की नाअहली कहें या आगाही की कमी, लेकिन इस वायरस से पख्तूनख्वा के आवाम में खौफ बढ़ गया है। डेंगू वायरस के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं और हुकूमत की जानिब से क्या इकदामात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद। आसिफ, डेंगू दिन ब दिन खैबर पख्तूनख्वा में फैलता जा रहा है, इस हवाले से हुकूमत ने क्या इकदामात किए हैं? बिल्कुल, डेंगू के वार्ड जो है वो यहाँ पर जारी है, मुसलसल जो है उसकी मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जब यहाँ पर डेंगू का मर्ज फैला तो यहाँ पर पंजाब से अपील की गई थी, पंजाब की टीमें यहाँ पर आई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी एक्टिव हुई, तो उन्होंने यहाँ पर इलाज मुआवजा जो है वो शुरू किया। अब जब पंजाब की टीमें वापस जा चुकी हैं तो उनकी जो इकदाम है वो भी कम नज़र आ रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि जो डेंगू से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 10 लोगों की अमवात जो हैं वो हो गई हैं। अब तक जो सुबह भर में मरने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 25 तक जा पहुंची, जबकि 7,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनमें डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। रोज़ाना 2 से 2,500 लोग जो अस्पतालों में आ रहे हैं और टेस्ट करवा रहे हैं, जिनको मुश्तबा केसेज होते हैं इनमें जो 2,000-3,000 में से 500 से 600 अफराद में डेंगू टेस्ट जो है पॉजिटिव निकल रहे हैं। अस्पताल जो हैं वो भरे पड़े हैं, अस्पतालों में सहूलियात की कमी नज़र आ रही है। एक जो गोलियां दी जा रही है वहाँ पर एक काउंटर है, जबकि हज़ारों मरीज जो हैं उस काउंटर पर खड़े होते हैं और अद्वियात लेने के लिए खड़े होते हैं। जो दाखिल मरीज हैं उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। आसिफ शहजाद, ये बताइए कि इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा केसेस आप बता रहे हैं जो डेंगू से इस साल रिपोर्ट हो रहे हैं, और अभी भी डेंगू जो है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर स्प्रेस किए जाते हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, खासतौर पर अगर हम बात करें तो वहां पर स्प्रेस करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और साथ साथ आगाही फैलाने के लिए जो है कोई मुहिम चलाई जा रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि स्प्रे और दीगर जो इकदाम हैं वो उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन जब हम देख रहे हैं यहाँ पर हर इलाके में एक बार स्प्रे किया जाता है लेकिन वहाँ पर दोबारा टीमें जो हैं जाने की जहमत गवारा नहीं करती। इसी हवाले से जब काफी कार्रवाई हम देखें तो वो बहुत हद तक की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो है वो कुछ भी नहीं है। इसी हवाले से जब पिछावर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई तो उन्होंने भी इन इकदाम को नाकाफी करार देते हुए महकमा सेहत को कहा कि इस हवाले से मजीद इकदाम किए जाएँ ताकि ये जो वायरस है इसको ख़त्म किया जा सके। ये जो मौसम है, माहरीन का कहना है कि डेंगू के मच्छर के लिए इंतहाई मौजू हैं, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद जो है वो मजीद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जिसके बाद जो अस्पताल हैं उसमें फ्लो बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इस पेशावर में क्या सूरत हाल थी वो तो हमने जाना। इस वक्त इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहला आमिर, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त डेंगू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा असर चढ़ कर बोल रहा है, बहुत से केसेस जो है वो डेंगू के हवाले से रिपोर्ट भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप अपडेट करें कि ये डेंगू वायरस एक्चुअल में है क्या, ये किस तरह से फैलता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। फीवर जो है एक वायरल डिजीज़ है जो कि फ्लावर वायरस से होता है और ये एक मस्कीटो बाइट डिजीज़ है कि जो मच्छरों के जरिए जो फैल रहा है इंसान में। जब एक इन्फेक्टेड मस्कीटो जो आपको बाइट करता है, और एक फीमेल मस्कीटो है जिसका नाम एडीज मस्कीटो है जो कि आपको बाइट करता है और अपना जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है आपने, और इस पर ये होता है कि 3 to 10 डेज लगते हैं आपकी बॉडी में वो चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और फिर 3 to 10 डेज के बाद आपके साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपको हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, सिवियर हेडेक है, पेरीऑर्बिटल पेन, खासतौर पे आँखों के पीछे वाले हिस्से में मतलब दर्द होता है इसका ना, मतलब हेडेक तो दूसरे बीमारियों में भी होता है, इसका कि खास ये होता है कि आपके पेरीऑर्बिटल पेन जिसको हम कहते हैं कि आँखों के पीछे जो बहुत सिवियर पेन होता है, ये किसकी पहचान है। इसके अलावा वॉमिटिंग है, डायरिया, जी आई अपसेट होते हैं, फिर ऐसा ऐसा अगर ये नहीं ट्रीट होता या इसको नहीं देखा जाता तो फिर ये हमारा फेटल हो जाता है, यानी कि इससे अमवात भी बहुत हो रही है कि उससे ये होता है कि फिर आपको हेमरेजिक
फीवर शुरू हो जाता है, उससे पहले होता है कि रैशेज आपके बॉडी पे आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, जो बिल्कुल इब्तदाई अलामत होती हैं, जो इनिशियल आप कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेज पे यू रिकॉग्नाइज के हाँ जी ये मुझे डेंगू है या क्या है, वो क्या होती हैं? क्योंकि ये आपने हेमोरेज की बात की, पेरिऑर्बिटल पेन के बारे में बात की, तो ये थोड़ा सा जाके सिवियर कंडीशन के ऊपर आ रहा होता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर एक शख्स को कैसे पता लगेगा कि मुझे डेंगू है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? एक तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका या तो किसी एरिया में ऐसे गए हैं जैसे सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज, या बहुत गंदा, मतलब वो तो हम इन जनरल बात कर लेते हैं, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम फिर ये देखते हैं कि हम कैसे बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया है या बहुत गंदगी है जिन एरिया में जहाँ है मस्कीटोज बहुत ज्यादा है, आपको जाहिर सी बात है पता चल जाता है किधर ट्रैवलिंग है, ये सारी चीजें तो आपके, क्योंकि डॉक्टर जब आपको देख रहा होता है तो वो खाली आपके सिम्टम्स नहीं देख रहा था, फ्रॉम द हिस्ट्री, तो जब हिस्ट्री आती है तो फिर उससे ही काफी चीजें हम मतलब वो कर लेते हैं, देन वी गो फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छा डॉक्टर शाला ये बताएगा, अक्सर लोगों के जहन में ये गुमान है कि जब किसी को एक बार डेंगू हो जाए तो दोबारा डेंगू हो तो वो बच नहीं सकता, ये इस बात में कितनी हकीकत? इस पे हकीकत तो ये है कि अगर ट्रीट नहीं हुआ है सही से तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, और दोबारा से अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो ऑफ कोर्स के एक कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम के साथ आप बैठे हुए हैं तो और ट्रीट नहीं हुआ है सही से, तो वो जाहिर सी बात है कि फिर वो टुवर्ड्स मोर फर्टाइल चला जाता है। तो ये रिकवरी टाइम कितना होता है जिसमें आप आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रिकवर हो जाता है? रिकवरी टाइम तो डिपेंड कि आपकी डाइट क्या है, आपके किस तरह से पूरा ट्रीटमेंट हुआ है, दोबारा से आपकी मतलब किस उसमें आप रह रहे हैं, क्या चीजें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अच्छा, डिपेंड करते सिचुएशन के ऊपर। डेंगू के बारे में आए दिन हम यही सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में भी डेंगू के इतने केसेस सामने आ रहे हैं और अब पख्तूनख्वा में इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि अक्टूबर तक ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि वो मस्कीटोज की ब्रीडिंग का जो जी बिल्कुल। तो उसी हवाले से जब हमें पता है कि जी डेंगू का ये सिलसिला अक्टूबर तक चलना है तो मेडिकल साइंस क्या कहती है कि इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, अपने घरों को किस तरीके से हम इन मच्छरों से पाक रख सकते हैं, किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं वही बात करूंगी कि हम इस्लाम के वो हैं, तो इस्लाम में सबसे पहला सिखाता है सफाई जो है उससे ईमान है, तो अगर हम इसी को फॉलो कर लें तो इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। लेकिन ना सिर्फ हम अपना घर साफ रखें, क्योंकि लोग घर तो साफ रख लेते हैं लेकिन वो सारा गार्बेज उठा के बाहर डाल देते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो उससे फिर होता है कि ब्रीडिंग होती है। वैसे तो इसकी ये है कि इसकी ब्रीडिंग ऐसे है कि साफ पानी में भी होती है, अच्छा ठीक है ना, तो मतलब मोस्टली लोग यही कहते हैं कि इंडोर प्लांट जी इंडोर, लेकिन खाली साफ पानी नहीं, दोनों चीजें हैं। अच्छा, कि मतलब ये नहीं कि आप खाली ब्लेम कर लें कि बाहर अगर गंदगी है तो उससे वो नहीं, इवन आपके लॉन्स जो होते हैं वहाँ पर भी अगर थोड़ा सा कोई पॉट में पानी पड़ा है, जैसे वाटर प्लांट्स रख लेते हैं आप एक्वेरियम, इस टाइप की जो भी है कि अगर वाटर है और वो है तो उसमें ब्रीडिंग का चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ वाटर में ही या ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि जो होम रेमेडीज कही जाती है डेंगू के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप नीम के पत्तों का पानी पीजिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं किसका पानी, कौन से पत्तों का पानी निकाल निकाल के पी, कितना ये वैलिड है? तो रेमेडीज किसी चीज को वो नहीं करूंगी कि मतलब अगर आप दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन रख लेना कि आप मेडिसिन भी ले रहे हो और साथ में ये भी ले रहे हो, डेंगू की मेडिसिन भी होती है, स्पेशल मेडिसिन नहीं है ठीक है ना, लेकिन हमें लेना होता है इसके साइन एंड सिम्टम्स को कवर करने के लिए तो हमें लेना पड़ेगा ना, कोई स्पेसिफाइड मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, जो कि आजकल कोएक्स लेके बैठे हुए हैं कि इतनी इतनी महंगी महंगी ये वैक्सीन है, बट देर इज टिल नाउ होपफुली कि आ जाती है कोई बहुत अच्छी बात होगी, टिल नाउ देर इज नो स्पेशल वैक्सीन फॉर स्पेसिफिक वैक्सीन फॉर डेंगू। तो ये बात यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है आप तमाम लोगों को बताना कि डॉक्टर शैला ये कह रही है कि डेंगू के हवाले से किसी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं है, अगर कोई कोएक्स या कोई डॉक्टर आपको ऐसे कहते हैं कि ये आप प्री डेंगू वैक्सीन करा लें तो मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है उस वैक्सीन का, कि आप साफ सुथरा एटमॉस्फेयर रखें, अपना इर्द गिर्द जो है वो सफाई का निजाम रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक शख्स को डेंगू हो गया, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसके फॉलोअप्स भी हो रहे हैं, वो ठीक होके घर चला जाता है, उसके बाद डेफिनेटली डेंगू ऐसा मर्ज तो नहीं है कि उसको किसी भी चीज में आगे चल के प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है तो उसके लिए फिर किस तरीके से आगे वो अपनी डाइट को मैनेज करे, किस तरीके से फिर वो आगे चल के अपने आप को दोबारा स्टेबल करे? तो ये है कि अगर वो हेमरेजिक साइड पे पहले ही जा चुका है, उसको हो चुका है कि यानी कि हेमरेजिक हो चुका है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो गई, गम्स हो गई,
समटाइम इंटरनल ब्लीडिंग भी, मतलब डिपेंड कि कितना ज़्यादा वो सीवियर, जिसको हम DHS डेंगी डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपसे इस पर मजीद भी कुछ बात करते हैं। यहाँ पर एक अहम खबर है जो आपने नाज़रीन को बताना बहुत जरूरी है कि एहतसाब अदालत ने अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड और बेटी मरियम नवाज और बेटो हसन हुसैन नवाज को 19 सितम्बर को तलब कर लिया है। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। जी शकील, क्या कहना है अदालत का? जी बिल्कुल, इत्तेसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बेटे बेटों हसन और हुसैन नवाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज के साथ साथ दामाद कैप्टन टैक्स अफसर को भी 19 सितंबर को कोर्ट तलब कर लिया गया है। इस हवाले से उनको समन कर दी गई है और उनको 19 सितंबर को पेश होने का कहा गया है। जी ठीक है शकील अहमद, अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। चले जी, लेट्स सी कि अब 19 सितंबर को पेश होती है शरीफ फैमिली या नहीं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे डेंगी के हवाले से और डेंगी को किस तरीके से बचा जा सकता है और उसके बाद किस तरीके से रिकवरी प्रोसेस होता है, तो उस बारे में आप मुझे। हाँ, बस ये बात होती है किस हद तक अफेक्ट करे अगर आपको डेंगी हेमरेजिक फीवर की तरफ चला चुके हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका है, तो फिर रिकवरी जो है वो आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो चुके हैं, तो फिर ये होता है कि आपको प्लेटलेट का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे पूछनी थी, प्लेटलेट काउंट की आपने बात की, कुछ लोगों के नॉर्मली प्लेटलेट काउंट कम ही होते हैं और अगर उनको डेंगू हो जाए तो उस सूरत में डिपेंड आपका इम्यून सिस्टम कैसे, पूरी आपके ओवरऑल बॉडी के। जैसे अब हमारे यहाँ की जाहिर सी बात है की जो पेशेंट्स होते हैं ओल्ड एज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है, तो वो दे आर वेरी मच अफेक्टेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि जिसको डेंगू हो जाए और आपको या लग रहा हो, ये डायग्नोज ही होना शुरू हो जाए कि जी मुझे डेंगू फीवर हो रहा है, तो उसके लिए एक तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं, या इनिशियली हमारे जो भी देख रहे हैं, जो भी खुदा ना करे इसका शिकार है, उनको सबसे पहले किस चीज का टेस्ट करवाना चाहिए? एंड सेकेंडली ये कि आपने जैसे कि बताया इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट क्यों कर लिया जाता है? बताती हूँ मैं आपको। एक तो सबसे पहले इसका टेस्ट है, एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर डेंगू फीवर, वो अगर हम कराते हैं तो उसका अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, उसमें हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं टू डेंगू, तो वो अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो इट मींस के आप डेंगू से इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा आपका CBC होता है जो कि आपकी पूरी कंप्लीट ब्लड सेल्स की रिपोर्ट होती है, उसमें अगर प्लेटलेट काउंट कम आते हैं तो वो हमें रेफर करते हैं वो इंडिकेशन होता है, लेकिन इट्स अ इनडायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ प्लेटलेट अगर कम आ रहे हैं। लेकिन डेंगू का स्पेसिफाइड जो है उसका हम डेंगू टेस्ट कहते हैं कि उसके वो करवाओ, तो उसमें फिर डायरेक्टली वी केम टू नो, क्योंकि प्लेटलेट काउंट जो है चिकनगुनिया में भी कम होते हैं, मलेरिया में भी कम होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, लेकिन वो आपको एक इंडिकेशन दे देते हैं। फिर आप सारी चीजें हिस्ट्री है और प्लस आपकी क्लिनिकल आपने जो फिजिकल एग्जामिनेशन करा है, क्या रैशेज हैं, तो वो सारी चीजें मतलब खाली ये नहीं कि आप गए आपको बुखार हुआ आपने फॉरन करा लिया, ठीक है ना, आप फर्स्ट गो टू योर डॉक्टर, सारी हिस्ट्री दें, वो आपका पूरा, क्योंकि 4 to 5 days में आपका रैशेज आने लगते हैं बॉडी पे, रैशेज आने लगते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो नहीं आते 4 to 5 days पे आते हैं। ठीक है डॉक्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया, आपने डेंगू के इस मसले के ऊपर इतनी अहम बात की। और उनका ये कहना है कि फर्स्ट आप डॉक्टर के पास जाइए, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिए और CBC जरूर कराइए कम्प्लीट ब्लड काउंट, और उसमें फिर प्लेटलेट कम होंगे तो फिर आगे जाके डॉक्टर टेस्ट करेगा और वो बताएगा कि आपको क्या डिजीज है। तो डेंगू के हवाले से हमने बात किया और अब कुछ बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। बिल्कुल जनाब, स्पोर्ट्स की बात करें तो आजादी कप के दूसरे मैच में वर्ल्ड 11 ने पलट कर वार किया और दिलचस्प मुकाबले के बाद कौमी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। हाशिम आमला और परेरा ने जारहाना शराकत बनाकर फतह में अहम किरदार अदा किया। परेरा मैच के हीरो। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के निजी स्कूल्स के हवाले से, जिनकी फीसों में मनमाने इजाफे से रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। निजी स्कूल्स की मनमानियों के खिलाफ वालदैन भी डटे रहे और एहतजाज भी उन्होंने बहुत जोर शोर से किया, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। परेशान वालदैन का कहना है कि अगर हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। प्राइवेट स्कूल की जानिब से फीसों में इजाफे पर वालदैन हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी बदल नहीं पा रहा। स्कूल फीसेस की बात की जाए तो मनमाने इजाफे पर बजिद है और स्कूल वालों का यही कहना है कि सारा निजाम जो है वो इस वक्त इसी तरह से चलेगा और सारे निजाम की जो बेहिसी है वो वालदैन के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनी हुई है। सब पर जो है वो आपको सुनवाते हैं कि वालदैन का क्या कहना है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है कमर्शियलिज्म बना लिया है। अगर आप उसको पढ़ाई की हद तक महदूद रखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा बेनिफिट भी दे सकते हैं। बाकी ये है कि ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, ओ लेवल एंड ए लेवल्स के अंदर भी यही चल रहा है। एक तो ये कि हम अपने बच्चों को 3-3 साल की उम्र से पढ़ाने भेज देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप 6-7 साल की उम्र तक उनको घर में पढ़ाएँ, घर में समझाएँ, घर में तरबियत दें,
स्कूल्स में सिर्फ हम चले ही आते हैं तो एक तो वो जारी बात है अपने बच्चे पालने के लिए हमने भेज दिए तो जारी बात है वो चार्ज तो करेंगे आपसे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों ने तो मतलब तालीम का सारा निज़ाम ख़राब करके रखा हुआ है, जिसका जितना दिल चाहता है फीस स्ट्रक्चर सेट करते हैं और जब दिल चाहता है बढ़ा देते हैं, जिससे सबको प्रॉब्लम्स आती है। अर्निंग नहीं है, आप इकोनॉमी का हाल देखें हमारी कंट्री में, तो इस हवाले से इनको चाहिए कि फीसिस को कम करें ताकि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। हर साल ये भी बोलते हैं गवर्नमेंट कि ओ लेवल गलत है, फला है, तो मैं कहती फिर बंद कर दो ओ लेवल, बिल्कुल ही मुकम्मल बंद कर दो, मजबूर होंगे हम लोग फिर मैट्रिक सिस्टम ही में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये सब ड्रामा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। गवर्नमेंट को कोई जो इसके लिए रूल जो है ना वो कोई मकसद करना चाहिए इसके अंदर जो है। हमारे पास मसला है कि हमारे यहाँ जो है तबकाती सिस्टम तालीम का चल रहा है आजकल, तो उसके अंदर ये गवर्नमेंट स्कूल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स। तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हमारे पास जो है वो 3000 कैटेगरी के स्कूल्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसके ज़रिए फीस का जो है ना वो कोई अथॉरिटी हो जो कंट्रोल करे उन सबको। तो आपने देखा कि वालदैन में इस हवाले से कितना ज्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। अब आपको मजीद बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को फीसें में 5% तक इजाफे की मंजूरी दी थी, लेकिन ये निजी स्कूल्स मालकान जो है इन्होंने अदालती अहकाम हवा में उड़ा दिया और फीसेज में 15 से 25% इजाफा कर दिया है। स्कूल इंतजामिया मुतालबे पर ध्यान भी नहीं दे रही है और वजारत तालीम खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ऐसे में कराची प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है चेयरमैन ऑल कराची प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन शरफुज़ज़मा सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सबसे पहले तो शरफुज़ज़मा साहब ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये बताएं कि फीसों में कितना फीसद इजाफा किया गया है और क्या स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोकने की एसोसिएशन को ये इख्तियार हासिल है? जो सबका कानून है उस कानून के मुताबिक सिर्फ 5% फीसों में इजाफा किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जो सबका कानून है जी, क्योंकि मौजूदा कानून से मुराद ये है कि एक कानून हम लोग सब मिलकर बना रहे थे, बल्कि बना चुके थे नए सिरे से, उसके असेंबली के फ्लोर पे पेश करना था, लेकिन उसी दौरान कुछ रुकावट आ गई, उसकी वजह से अभी सरे दस 5% से ज़्यादा कोई भी फीसों में इजाफा कर नहीं सकता। लेकिन एक बात में और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो खुद ये फीस में इजाफा कर नहीं सकता, तावक्ते के वो डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध से इसकी इजाजत ना ले ले। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध जो है ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है प्राइवेट स्कूल्स की, और फजलो करम से 2003 में ये अथॉरिटी 2001 में 2003 में इसके ऊपर वर्क हुआ। पाकिस्तान में पहली बार सिंध गवर्नमेंट को ये एजाज जाता है कि उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हवाले से एक कानून मुरतब किया, पास किया, और उसके मातहत ये तमाम इदारे चल रहे हैं जितने इदारे सिंध में मौजूद हो। इम्प्लीमेंट की जाती है सर, इम्प्लीमेंटेशन की, जब अदालत ने पाबंदी लगा रखी है तो ये फीसों में इजाफे का क्या जवाब बनता है और एसोसिएशन इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, क्योंकि 2003 में तो ये तमाम चीजें कर दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अदालत में इसको पेश किया, जब अदालत ने इनसे कहा कि अगर आपके पास कोई दायरे कार है तो आप हमें बताएं, तो उसको वहाँ जो जवाब देना था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ने वहाँ पे जवाब दे दिया है। अब मसला ये है कि अदालत में एक चीज, एक मुकदमा अदालत में मौजूद है, जब तक अदालत उसके ऊपर फैसला नहीं देती है, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी एहतजाज नहीं करना चाहिए। जब पेरेंट्स की इतनी बड़ी तादाद अदालत से रुजू कर चुकी जी, तो अब इनको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और जो स्कूल वाले 5% से ज्यादा जाहिर है नया जो हम फॉर्मूला बना रहे थे वो तो बना नहीं, तो पुराना कानून मौजूद है जिसमें 5% की इजाजत है, और वो भी पहले आप अप्रूवल लेंगे डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, उसके बाद आप बढ़ाएंगे, इससे पहले आप आज खुद बढ़ा भी नहीं सकते, और डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपकी उस एप्लीकेशन पे गौर करेगा कि आप फीस में 5% इजाफा क्यों कर रहे हो, वजह क्या है। तो जो नए कानून में जो रखा गया था वो 10% रखा गया था, हालात को मद्देनजर रखते हुए, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जी। लेकिन
जब उसको अदालत में अभी अदालत में जब तक केस है, अदालत का जब तक फैसला नहीं आता है, तो वो जो नए सिरे से जिन चीजों को बनाया गया था जाहिर है उस पर अमल नहीं हो सकता। तो अभी जो कानून है वो सिर्फ इतना ही है कि 5% बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तो 15% पहले इजाजत लेंगे, इससे पहले कोई तालीमी इदारा बढ़ा नहीं सकता। जो लोग भी ऐसे गलत इकदाम करेंगे, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध को, डीजी प्राइवेट स्कूल्स को चाहिए कि ऐसे तालीमी इदारे का रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर। ठीक अच्छा आएगा कि इस वक्त जो फीसें बढ़ाई गई हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वालिदैन भी एहतजाज कर रहे हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए, जो पेरेंट्स एहतजाज कर रहे हैं उनको तो मैं ही कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र तहमुल से काम लें। ठीक, जो वालिदैन अदालत से रुजू कर चुके हैं, अब पेरेंट्स को चाहिए कि सड़कों पर जाने के बजाय उस फैसले का इंतजार करें। सही तरीका यही है सर, एग्जैजरेशन होने लगती है ना। जो स्कूल मुंतजमीन है उनसे, उनको भी मैं मुतनबे करूंगा जी कि आपका ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबका मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो कमेटी थी मैं उसका भी मेंबर था। ठीक, और उन स्कूल वालों को ये पता होगा कि स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में भी मैंने उनसे बहुत ज्यादा बहस की थी। ठीक है, उनको समझाने की कोशिश की थी तमाम लोगों की मौजूदगी में। जी, जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में ये बात तय की गई थी। मैं उन स्कूल वालों को मुतनबे कर रहा हूं कि आप याद करें, आप सब हमारे साथ बैठे थे, ये बात तय की गई थी। पहले बात ये हुई कि आप लोगों ने बगैर अप्रूवल की। ठीक है, बिल्कुल आपकी जानिब से तो स्टैंडिंग कर भी इस बात को मुतनबे किया गया कि नहीं फीसों में इजाफा ना किया जाए, लेकिन फिर भी स्कूल मालकान ढीठ बने हुए हैं, तो उसमें फिर हम क्या कह सकते हैं? बहुत बिल्कुल, 5% जो है वो इजाफा कहा गया है कानूनी तौर पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इजाफा किया जा रहा है वो 15 से 25% तक किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि बजाय बिल्कुल इस वक्त पेरेंट्स का एहतजाज करना भी, लेकिन जैसे कि इस वक्त वो कह रहे थे कि कानून की तरफ से या अदालत की तरफ से फैसले का इंतजार किया जाए, तो बिल्कुल थोड़े पेशेंस से भी काम लें और इंशाल्लाह होपफुली ये मामला जिस तरह से उठाया जा रहा है इसको सॉर्ट आउट भी कर लिया जाएगा। यहां पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त आपको ताजा खबर से आगाह करेंगे, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं यासिर नजर इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जी यासिर नजर, अपडेट कीजिएगा, बताइएगा कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है इसमें अब मजीद क्या तफसीलात हैं, किस तरह से फैसला महफूज किया गया है? जी बिल्कुल, तौहीन अदालत केस इमरान खान की तरफ से जो केस अदालत में चल रहा था, जिस पर आज समाअत हुई है। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को पहले भी नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था कि वो बजाते खुद इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो के इसका जवाब दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन में वो पेश नहीं हुए। इसके बावजूद आज जो बाबर अवान है वो इलेक्शन कमीशन में पेश, से कहा गया कि इमरान खान आज ही वतन वापस पहुंचे हैं तो इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो मेहमान हैं वो गरम नजर आए और उनकी तरफ से कहा गया कि आज हम फैसला महफूज करते हैं और ये तवक्को की जा रही है कि फैसला कुछ देर के बाद सुना दिया जाएगा। ठीक है यासिर नजर, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तौहीन अदालत केस के हवाले से आज महफूज कर लिया गया है, दूसरी तरफ चल रहा है नाहली का केस और दोनों केसेस जो हैं वो तहरीके इंसाफ के गले में फंसे हुए हैं। लेट सी की कैसे सॉर्ट आउट करेगी तहरीके इंसाफ। और आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1227वें उर्स की, जिसका आज तीसरा और आखिरी रोज है, लेकिन अकीदतमंदों और जायरीन की आमद का सिलसिला आज भी जारी है। इस वक्त वहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा शाजिया अरशद, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर आज क्या सूरत हाल है। जी शाजिया। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में। यहाँ पर जैसे कि उर्स चल रहा है और जायरीन की आमद में देख रही हूँ यहाँ पे मुस्तकिल जारी है और लोग आ रहे हैं और फातिहा ख्वानी करके जा रहे हैं। यहाँ पर कवाली का भी अहतमाम किया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर हमें बहुत बेहतरीन नज़र आए हैं। यहाँ हमारे साथ मज़ार के मुजाविर साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ उन्होंने उर्स के इंतजाम के लिए क्या क्या किया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइएगा मुझे जरा सा उर्स के हवाले से कि क्या इंतजाम किए हैं और कैसी जायरीन की आमद और लंगर कैसे चल रहा है। उर्स के हवाले से तो बस इतना ही कहूँगा कि ये जो उर्स है ये सरकार का 1287वां उर्स है
तकरीबन पहले 1300 साल से भी ऊपर हो चुका है, मगर ज़ायरीन की जो आने का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है हर साल के एतबार से। सरकार के जो यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं उसमें इजाफा ही होता चला आ रहा है, और जाहिर है और उसके हवाले से मुख्तलिफ इंतज़ाम होते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी के पेश नज़र रखा जाता है, उसके अलावा लंगर का भी सिलसिला होता है। तो लंगर तो यहाँ पे आपको तीनों टाइम मिलता है, जहाँ तक महफिल समा और नाज शरीफ का प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। कल उस सिलसिले में एक महफिल सजाई गई थी और बखैर खूबी वो अंजाम पर पहुँची, और आज भी इंशाल्लाह नाज शरीफ का है सिलसिला, और वो भी ज़ायरीन चूँकि इस चीज़ को बहुत पसंद भी करते हैं, और ज़ाहिर है मज़ारात के हवाले से यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं और अच्छी लगती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम किए गए हैं उस हवाले से मुझे बताएगा कि क्या आप सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से? मैं तो इस दफ़ा जो सिक्योरिटी है मेरा ख्याल है बहुत ही फुल प्रूफ, यानी गुज़िश्ता कई सालों से जो मैं देखता चला आ रहा हूँ इस साल बहुत बहुत सख्त इंतज़ाम हैं। जी, जैसा कि मुजाविर साहब से हमने बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला सुबह से रात तक जारी रहता है, महफिल समा भी सजाई जाती है, इसके अलावा लंगर का एहतमाम भी तीनों टाइम किया जाता है। यहाँ हमने सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत बेहतरीन देखे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा मज़ार की तजी और आरइश का काम और इसके अहाते को बड़ा करने का काम मुसलसल अभी भी जारी है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है और इतना बड़ा रकबा यहाँ के लिए कर दिया गया है ताकि लोगों को आने जाने में उनकी आमदोरफ में कोई परेशानी ना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया, आप हमें अपडेट्स दे रही थी। इस वक्त आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मसला यह है कि 3000 करोड़ रुपया बाहर कैसे गया और कौन नहीं जानता है कि स्वेज बैंक में भी और बरतानिया के दूसरे इदारों में आम आदमी का पैसा नहीं है, पाकिस्तान की किसी गरीब का, सियासी लीडरों का पैसा है या ब्यूरोक्रेट का पैसा है या उन लोगों का पैसा है जिन्होंने यहाँ किसी बड़े मनसब पर काम किया हो। तो क्या जैसे ही एक बड़े मनसब पर आदमी फायज हो जाता है तो उनको पर कैसे लगते हैं, वो कैसे फिर सोने के साथ वो और उनके बेटे और उनके औलाद खेलने लगते हैं, फिर कैसे उनके प्रॉपर्टी में इजाफा होने लगता है, उनके बंगलों में इजाफा, उनके शुगर मिल में इजाफा, उनके कारखानों में इजाफा। साफ बात यह है कि उन्होंने अपने मनसब को, सियासी मनसब और सरकारी मनसब को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के तवक्को के साथ आए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो न सिर्फ नवाज शरीफ साहब का एहतसाब, जिस तरह उनको नाअहिल करार दिया गया ये नाकाफी है, अब भी उनके असासे हैं जो मुंजमद नहीं हो गए हैं, और हम तो इंसाफ उसको कहेंगे कि जिसके साथ गैर कानूनी पैसा है उनका एहतसाब होकर वो कौमी खजाने में जमा हो जाए। और हमारे जमात इस्लामी सिराजुल हक सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना था कि जो स्विस बैंक्स हैं उनमें आम आवाम का पैसा नहीं होता, उनमें सियासतदानों का या ब्यूरोक्रेट्स का पैसा होता है, हम इस सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की उम्मीद के साथ आए हैं। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है और उम्मीद करते हैं कि आज के दिन के लिए हमने आपको फुली चार्ज कर दिया है तमाम न्यूज से जो आज आने वाले बुलेटिन में आप देख भी पाएंगे, और साथ साथ कुछ लाइट और कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है हमारे मुआशरे से ही हम लोग वो टिकट लाते हैं ताकि आपको उस हवाले से हिदायत भी दी जा सके और डॉक्टर्स की एडवाइस भी दी जा सके। तो जनाब इसी तरह अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल पर। टिल देन कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज।